तो ऊपर से मुड्ढा रखते हुए आलोक भाई और अपोजिट टीम के मेंबर के दो पेज हो चुके हैं और थोड़ा सा लेट हो गए। 9:30 बजे से पतंग लड़ रही है और लाल पतंग टोखा और अपोजिट में नीली पतंग है। तो कितना पुराना सालाना है ये सब बताएंगे। अंदर के मुंडे पर उतारा तेते झटके मारे डोरों पर रखा अपोजिट टीम के मेंबर ने और आलोक भाई पतंग को उठा रहे थे, कट गए। तो 3 पेज हो गए हैं अपोजिट टीम के मेंबर के। अब देखते हैं कौन लड़ाएगा राहुल भाई की टीम की तरफ से। अब फ्रेंड्स ये देख सकते हैं सारे मेंबर जो अपोजिट टीम पे चढ़े हैं, कम से कम 15-20 मेंबर हैं। ताबड़तोड़ शौक हो रहा है। देखिए गौरव भाई हैं सबसे आगे खड़े हैं, जिनका एक गेम मैं अलग से बना चुका हूं। देखिए एक और भाई हैं, खुद मूवी बना रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, कुछ लोग जानने वाले हैं और कुछ लोग बिल्कुल जानने वाले नहीं हैं। तो बढ़िया शौक हो रहा है। और ये देखिए राहुल भाई की छत की ओर भी 15-20 लोग बहुत आराम से हैं। ये रहे हमारे राहुल भाई, बहुत बढ़िया शौक हो रहा है। कुछ पेज कवर करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आपसे बात करवाएंगे राहुल भाई की कितना पुराना है सालाना। और देखिए ये पतंगें लड़ रही हैं, देखिए ये सारी पतंगें लड़ रही हैं। लाल पतंगे तोखा, सबके पास यही पतंगें रखी हुई हैं, लाल पतंगे तोखा में। और थोड़ा सा लेट आए लेकिन राहुल भाई की ओर से पहले इमरान भाई ये रहे, इन्होंने सुबह सुबह नाव काट दिया। पहली पतंग से काट दिए थे क्या आपने? पहली पतंग से नाव काट दिए थे और उसके बाद दूसरी उड़ाई पर पतंग टूट। अच्छा उसके बाद दूसरी उड़ाई पतंग टूट गया, तीसरी पतंग है ये? उसके बाद उड़ाई नहीं। अच्छा उड़ाई नहीं उसके बाद। चलिए अभी बहुत टाइम बाकी है, 2 बजा है और अभी ताबड़तोड़ शौक हो रहा है। मृदुल पहुँच गए पेज पे और ये सारे प्लेयर हैं। सबकी बार देखते हैं मृदुल भाई का पेज। अपोजिट टीम के मेंबर 4th या 5th पे लड़ा रहे हैं। ये सारे हैं अपोजिट टीम के मेंबर। और ये भाई जो चश्मा पहने हुए आगे की तरफ खड़े हुए हैं ये लड़ा रहे हैं। ब्लू टी शर्ट वाइट लाइनिंग, पीछे की तरफ थोड़ा जा रहे हैं, जो 4-5 पेज काट चुके हैं। चलते हैं, मृदुल भाई पहुंच गए हैं 5वां पेज रुकने के लिए। पतंग को चमकाते हुए लगातार पतंगें लड़ रही हैं, पतंग को लंबे करते जा रहे हैं। मृदुल भाई ऊपर ही ऊपर अपोजिट टीम के मेंबर के, उसकी बार देखते हैं रोक पाएंगे कि नहीं। मृदुल भाई नीचे से ऊँचा करते हुए अपनी पतंग को लंबे करते हुए मृदुल भाई, हवा बहुत ज़्यादा दब गई है राहुल भाई की टीम की ओर। तो नीचे का पेज फिर भी अभी क्योंकि काट दिए हैं 3-4, इसलिए नीचे का लगातार लड़वाने दे रहे हैं। तो ये वाली पतंग कटने के बाद देखते हैं कि कंटिन्यू लड़ाने को मौका मिलेगा अपोजिट टीम को नीचे से, या फिर राहुल भाई के प्लेयर जो हैं लड़ाएंगे नीचे से। तो पतंग से जगह लेते हुए मृदुल भाई ऊपर से राहुल भाई की टीम के लिए और नीचे से अपोजिट टीम के मेंबर जो दिखाया, क्योंकि काफ़ी प्लेयर हैं, 15-20 मेंबर हैं दोनों टीम की ओर, तो नाम नहीं पता सबके, जगह लेते जा रहे हैं। तेज हाथों से जगह ली, बीच में अंदर की तरफ मृदुल ने अपनी पतंग उतारा, तेते झटके मारे अंदर की तरफ दिखा के पतंग को चमकाया, अभी भी चमका रहे हैं। बाहर की तरफ खींचा मृदुल ने भी निकलता हुआ खींचा, दोनों लोग ताकत से खींच रहे हैं। मृदुल भाई ने यह पेज काट दिया, पतंग एंड टाइम पर थोड़ी सी डबल हुई और एक पेज पूरा कर लिया अपना राहुल भाई की टीम के लिए। ये है मृदुल भाई वाइट टी शर्ट में, काट दिया रोक लिया है। तो हमारे साथ उबैद भाइयों पतंगे देख सकते हैं, यही पतंगे लड़ रही हैं। तोखा पतंगे हैं या लाल तोखा है या सफ़ेद तोखा है, काला तोखे में मतलब लाल पतंगे हैं, काला तोखा है या सफ़ेद तोखा है। तो उबैद भाई हमारे साथ में, उबैद भाई इस पतंग के बारे में कुछ बता पाएंगे क्या, आपके कितने साल से लड़ रही है ये पतंगे? भाई इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते, ये हम लोग दादा लोग जो लड़ाते आ रहे हैं, मतलब अच्छा वो लोग बताते हैं कि हम लोगों के बचपन से लड़ती आ रहे हैं। तो मतलब यही तोखे लड़ते आ रही है, कुछ और का लड़ता? यही नालदार लड़ती। अच्छा नालदार यही तोखे लड़ रही है, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। और अपोजिट टीम से शायद नीली पतंगे जा रही है, नीली काली, मतलब सब रंगीन ही होगी उसमें, रंगीन है जरूर बनी होगी, ये चीज जरूर बनी। अच्छा ये नालदार है, ये तोख और नाल जरूर होगा। तो फिर भी कम से कम कितनी पुराने होंगे सालाना, एक आइडिया? 150 साल से ऊपर है। 100 साल से ऊपर है? 100 साल से। इसके इसका कोई जो है वो नहीं है, कोई बताया ही नहीं आया, लेकिन लगातार लड़ रही है। दिसंबर में ही लड़ रही, 25 दिसंबर को हम लोग हैं जो पुराने हैं वो लोग नहीं बता पाते ये कितनी जो, लेकिन लगातार हर साल लड़ाई जा रही है। तो ये थे उबैद भाई जिन्होंने बताया, बाकी अभी हम राहुल भाई से भी पूछते हैं। मृदुल भाई अपना दूसरा पेज लड़ा रहे हैं, चलते हैं जल्दी से पेज पे। मृदुल भाई नीचे से अपना दूसरा पेज लड़ाते हुए ऊपर से अपोजिट टीम के मेंबर मुड्ढा रख रहे हैं। मृदुल भाई ने पतंग को चमकाया, बीच में पतंग उतारा, पट पे खींचा, रुके रुके बाहर की तरफ खींचा, चक्कर पे रोके हुए थे अपोजिट टीम के मेंबर और चक्कर कट गए। तो बढ़िया पेज काट दिया, 2 पेज अपने मृदुल भाई ने पूरे कर लिए राहुल भाई की टीम के लिए। और ये रहे हमारे राहुल भाई जिनकी छत से पतंग को लड़ाया जा रहा है। राहुल भाई इस पतंग के बारे में क्या कहना है, 100 साल से ऊपर है, उबैद भाई बता रहे हैं कुछ? जी 100 साल, तो 183 साल पुराने, 183 साल की हो गए, 183 साल हो। और तो मतलब ये यही तोखिया लड़ रही, नालदार है, दो दिन लड़ती है।
और आपकी छत से ये कितने साल से लड़ रही है यहाँ से? 3 साल से। अच्छा, 3 साल से यहाँ। दूसरे की छत एक ही छत अलग मेरा। अच्छा, एक नहीं नहीं, मतलब ये था जैसे इससे पहले, अच्छा मोहल्ले की बताएंगे, किसी भी छत से लड़ती है लेकिन लड़ती हर साल है। किसी भी छत से लड़ जाए लेकिन लड़ती हर साल 25 दिसंबर को ही है। 25-26 दो दिन लड़ती। अच्छा, 2 दिन लड़ती है। काम वाम की वजह से लोग कम लड़ाते हैं। हाँ, लेकिन 25 तो मतलब पक्का है, एक दिन तो पक्का है, 2 दिन तो ये पतंग है। तो राहुल भाई शौक किया कि नहीं? कर लिया थोड़ा बहुत, हवा थोड़ी सी डाउन है। और मृदुल भाई लाने जा रहे अपना तीसरा पेज, और ये सारे मेंबर्स हैं, देख सकते हैं काफी मेंबर है, 15-20 मेंबर इधर भी हैं और 15-20 मेंबर अपोजिट टीम में भी हैं। और ये देखिए हमारे एक भाई खड़े हुए हैं, सालाना की पतंग लड़ रही है, ये नहीं जल्दी जल्दी शॉप करे, एक एक पतंग को भिजवा रहे हैं, सिहाड़ कर रहे हैं। देखिए ये नहीं जल्दी जल्दी शॉप कर रहे हैं, देखिए पिक्चर है, पतंगे देखिए बहुत सारी उड़ रही है, लेकिन ये बार बार इधर आके कहते हैं पतंग खींचो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और जल्दी जल्दी पेज नहीं लड़ पा रहा मृदुल भाई, 2 या 3 पेज काट चुके हैं, चलते हैं पेज पे। तो मृदुल भाई की पतंग थोड़ी सी बाहर की थी ज्यादा, तो हटवा दी गई और पत्तू भाई को चांस दे दी गई है। अब चलते हैं पत्तू भाई के पेज पे। गोला पतंग के लिए मना हो रहा है, खाली हटा लेना, ठीक है। चलते हैं पत्तू भाई के पेज पे। नीचे से पत्तू भाई का पहला पेज, अपोजिट टीम के मेंबर ऊपर से जगह ले रहे हैं, थोड़ा सा घेरते हुए मुड्डा बनाया, पत्तू भाई ने बाहर का मुड्डा बनाया, ताकत से खींचा, अंदर की तरफ दिखाया, अपोजिट टीम के मेंबर ने लेकिन कट गए। तो बढ़िया पेज काट दिया और एक पेज पूरा कर लिया राहुल भाई की टीम के लिए पत्तू भाई ने। और मोगली भी आ गए हैं, आपने मोगली के भाई की वाली पतंग देखी होगी जिसमें रंगीने लड़ती हैं, तो व्हाइट टी शर्ट वाले, तो ये पत्तू के भाई हैं मोगली की। ये देखिए चरखी बनाते हुए व्हाइट टी शर्ट में, मेंबर बहुत हैं और लखनऊ के काफ़ी मशहूर मेंबर भी हैं, लेकिन कौन कौन है उनके सबके नाम नहीं पता। देखिए चरखी बना रहे मोगली भाई, और 2 पेज पूरे कर लिए हैं पत्तू भाई ने, चचाजात भाई हैं मोगली उनके, अपोजिट में है मोगली, और 2 पेज पूरे कर लिए हैं, टोन अपना बदलते हुए चलते हैं पत्तू भाई के तीसरे पेज पे। 5-5, 6-6 पतंगे पार हैं लगातार दोनों टीम की तरफ से, ऊपर से मुड्डा रखते हुए अपनी नीली पतंग से तोखा वाली नालदार अपोजिट टीम के मेंबर, और नीचे से पत्तू भाई अपना तीसरा पेज लड़ाते हुए चमकाया भाग दा, फिर से ताकत से खींचा, सीधा कदम अंदर की पतंग आ रही थी लेकिन कट गए अपोजिट टीम के मेंबर। तो 3 पेज अपने पूरे कर लिए हैं पत्तू भाई ने राहुल भाई की टीम के लिए। और ये देखिए मिनास क्लब के एक और होनहार प्लेयर महमाद भाई, बोलेंगे नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, ये आप लोग जानते होंगे, मुस्करा के कुछ कह दीजिए, इशारा दे दे के कुछ क्या, अरे बोल दिया आज तो, अरे बोल दिया भाई आज बोल दिया। तो ये रहे हमारे लोग भाई, मूड में है ना इसलिए बोल दिया। आज बोल दिया। और ये सारे प्लेयर हैं भैया, किसने किसने चांस नहीं लिया अभी इतने लोगों में? लोग भाई ने नहीं चांस लिया, माज भाई चांस लेंगे? नहीं नहीं लिया लोग भाई, मतलब चाय है तो चाय वाला पेज बनाएंगे हम लोग आलोक भाई का। और चलते हैं पत्तू भाई के 4th पेज पे। नीचे से पत्तू भाई जगह लेते हुए अपने 4th पेज के लिए, ऊपर से अपोजिट टीम के मेंबर थोड़ा सा गर्दन के पास ही अपनी पतंग को बनाया, बाहर की तरफ ही लेके जा रहे हैं लगातार, जगह लेके मुड्डा नहीं रख रहे हैं, अंदर के मुड्डे पे पतंग उतारा, काफी तगड़ी पतंग लग रही बाहर, पत्तू भाई ने फिर से मुड्डा बनाया, ताकत से खींचा लेकिन अब की बार निकलते हुए मुड्डे से ये पेज पत्तू भाई को काट दिया, और 1 पेज अपना पूरा कर लिया अपोजिट टीम के मेंबर ने। तो भाई देखिए लड़ा रहे हैं, नाम नहीं पता, बहुत से लोग हैं और जो लोग लड़ा रहे हैं सबके नाम नहीं पता, चलते हैं भाई के पेज पे, और अपोजिट टीम के मेंबर ने लेकिन 3 पेज काट दिया, ऊपर से लड़ा रहे हैं भाई हमारे राहुल भाई की टीम के लिए, और नीचे से अपोजिट टीम के मेंबर 4th पेज के लिए जगह लेते हुए। नीचे तार वाले भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, जगह लेते जा रहे हैं नीचे से अपोजिट टीम के मेंबर, ऊपर से बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए राहुल भाई के मेंबर, बीच में अपनी पतंग उतारा, पतंग बाहर की लग रही, ताकत कदम हमारा सीधी हो रही, बाहर की तरफ खींचा अपोजिट टीम के मेंबर ने, और ये पेज कट गए भाई। 4 पेज पूरे कर लिए हैं अपोजिट टीम के मेंबर ने, और कौन से मेंबर लड़ा रहे हैं ये देखिए, ये पीली टी शर्ट में चश्मा पहने हुए ये भाई लगता लड़ा रहा है। 4 पेज हो गए और देखते हैं पांचवा पेज कौन लड़ाएगा राहुल भाई की टीम की ओर से। मृदुल आ गए हैं और ये लड़ाएंगे 6th पेज, जगह लेने के लिए कह रहे हैं, और 5वां पेज भाई ने लड़ा दिया था, कहाँ गए वाले भाई, गायब हो गए भाई। 5वां पेज लड़ाया था उन्होंने, वो खड़े हुए हैं दीवार के किनारे, इन्होंने 5वां पेज लड़ाया था, कट गए थे। 6ठा पेज मिला है मृदुल भाई को, तो मृदुल भाई 6ठे पेज के लिए ऊपर से जगह लेते हुए अपोजिट टीम के मेंबर, नीचे से
मुड्ढा रखते आ रहे हैं अंदर के मुड्ढे पे, पतंग को ऊंचा करा जल्दी से। मृदुल भाई ने निकलता हूँ मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से खींचा, डबल होती जा रही। मृदुल भाई की पतंग आपकी बार फिर से बढ़िया पेज, ये मृदुल भाई ने काट दिया, डबल नहीं हुई, सलग बाहर की तरफ पतंग चली गई और रोक लिया छठे पेज पे अपोजिट टीम के मेंबर को। नीचे से जगह लेते हुए आलोक भाई अपने दूसरे पेज के लिए, ऊपर से अपोजिट टीम के मेंबर मुड्ढा रख रहे हैं। निकलता हूँ मुड्ढा बनाया, आलोक भाई ने अंदर की तरफ क्रॉस खींचा, रुके रुके फिर से बाहर की तरफ मुड्ढा खींचा, डबल होती पतंग जा रही बाहर की तरफ, फिर से खींच रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर लेकिन कट गए। तो बढ़िया पेज ये काट दिया, दो पेज अपने पूरे कर लिए आलोक भाई ने राहुल भाई की टीम के लिए। भैया आलोक भाई ने अपनी चाय चा ली मृदुल भाई से पेज लेके और दो पेज इन्होंने पूरे कर लिए। तीसरा पेज आ गया, चलते हैं आलोक भाई के तीसरे पेज पे। चरखी दिखाते हुए इमरान, जिन्होंने सुबह नाव काटे थे लेकिन उसके बाद से ये पतंग नहीं लड़ा रहा है। और बहुत से लोग हैं अलीगंज से, लखनऊ के हर कोने से कोई ना कोई आया हुआ है। देखिए भाई हमारे टेप करते, भाई आपका नाम क्या है? मेरा भाई नाम मोहम्मद नवेद। मोहम्मद नवेद भाई पतंग में टेपिंग करते हुए, चलते हैं आलोक भाई के तीसरे पेज पे, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। नीचे से जगह लेते हुए आलोक भाई अपने तीसरे पेज के लिए, आज 25 दिसंबर का दिन है और थोड़ी सी हवा डाउन है आज, लेकिन जगह लेते हुए 400 मीटर की रेंज में पतंगें लड़ रही हैं छत पे से। और राहुल भाई की छत, जहां आपने पहले भी कई गेम देखे होंगे उसी छत से पतंगें लड़ रही थी। वैसे ये इसी मोहल्ले में लड़ती हैं तो आसपास छत बदलती रहती है हर साल। ऊपर से बुड्ढा रखते हुए अपोजिट टीम के मेंबर, नीचे से आलोक भाई जगह लेते हुए तीसरे पेज के लिए, थोड़ा गर्दन के पास पतंग को बनाए हुए हैं अपोजिट टीम के मेंबर। पतंग को चमकाते हुए बीच में लाए, थोड़ा सा चमका रहे हैं एक ही जगह पे। आलोक भाई धीरे धीरे अपनी पतंग को ऊंचा कर रहे हैं, बाहर का मुड्ढा बनाया, थोड़ा सा और ऊंचा कर लिया, अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते हुए अपोजिट टीम के मेंबर। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, आलोक भाई ने रोका, रोके अंदर की तरफ झटके मारे, डोर फेंके फिर से बाहर का मुड्ढा बनाया लेकिन सलग बाहर की तरफ खींचते हुए ये पेज अपोजिट टीम के मेंबर ने काट दिया। फिर से मृदुल भाई एक बार ऊपर का पिलड़ आते हुए पतंग को चमका रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर। निकलता हूँ मुड्ढा, मृदुल भाई ने फिर से बनाया, अंदर की तरफ खींचा, पतंग आ रही थी लेकिन उससे पहले ही झटके मारते हुए मृदुल भाई ने पेज काट दिया। कई पेज ऊपर से मृदुल भाई काट चुके हैं और लगातार अपने मेंबर को चांस दे रहे हैं, तो देखते हैं आपकी बार किसको चांस देंगे। तो ये रहे मृदुल भाई, फिर से काटा और चांस दे दिए मानस भाई को। ये देखो हाँ, चरखी करके फिर चांस मिलेगी, पहले चरखी करो उसके बाद लड़ाओ नीचे से। तो ये रहे मानस भाई, और मानस भाई का होगा पहला पेज, पहले भले लड़ाया हो लेकिन आज के दिन रिकॉर्ड वाला पेज पहला ही है। अच्छा पहले ही है, तो देखते हैं मानस भाई का पहला पेज आज के दिन का। नीचे से मानस भाई लड़ाते हुए अपना पहला पेज, अपोजिट टीम के मेंबर ऊपर से मुड्ढा रखते हुए धीरे धीरे अपनी पतंग को बीच में ला रहे हैं। मानस भाई ने पतंग को काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया, पतंग को चमकाते हुए ज़्यादा ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। निकलता हुआ मुड्ढा घेरते हुए बनाया अपोजिट टीम के मेंबर ने, मानस भाई को पतंग चमका, सीधा मुड्ढा उतारा है, डोर रख लिया, तेते झटके मारे लेकिन फिर भी मानस भाई कट गए, डोर निकाल दी, सीधा गद्दा उतार के अपोजिट टीम के मेंबर ने और मानस भाई ये पेज कट गए। और ये मेंबर जो आगे हाथ चला रहे हैं ब्लैक टी शर्ट में, इन्होंने ये पेज काटा था और देखते हैं इनका दूसरा पेज। और अपोजिट टीम से फिर से मृदुल भाई आ गए हैं ऊपर का पेज रोकने के लिए। तो नीचे से मृदुल भाई अपना दूसरा पेज लड़ाते हुए फिर से ऊपर से काटा है और अपोजिट टीम के मेंबर धीरे धीरे मुड्ढा रखते हुए। और ये देखिए पेज सही चल रहा था और पतंग इनकी टूट गई, तो फ्री का पेज मिल गया अपोजिट टीम के मेंबर को। और देखते हैं अब की बार कौन लड़ाएगा ऊपर का पेज राहुल भाई की टीम की ओर से, क्योंकि अभी तक लगातार मृदुल भाई काट रहे थे ऊपर से और चांस दे रहे थे राहुल भाई की टीम के मेंबर को। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं लेट नौशा मियाँ, यहाँ टेढ़ी बाजार, अखाड़ा, यय्यागंज, लखनऊ। तो उबैद भाई, तो इन्हीं के नाम से पतंग लड़ रही है क्या? हाँ, इनके बाप दादा पुराने लड़ाते चले आ रहे हैं। अच्छा, तो ये है जो हमने स्टिकर दिखा रहे, ये पतंगों पे स्टिकर लगाए जा रहे हैं जो कि 100 साल से ज़्यादा ही ज़्यादा पुरानी है पतंग लड़ रही हैं, और इन्हीं के नाम से ये सालाना हर साल लड़ता रहता है लेट नौशा मियाँ। तो ये लेट नौशा मियाँ कौन है, क्या कुछ बता सकते हैं इनके बारे में? अखाड़े में रहते थे। अच्छा, यही लड़ाते थे, मतलब पहले थे वो भी लड़ाते चले आ रहे हैं। अच्छा, वालिद के वालिद ने भी ये पतंग लड़ाई है। अच्छा, इसीलिए इनका नाम है ये स्टिकर पे, 5 या 6 पीढ़ी पहले की पतंग। अच्छा, तो मतलब जब से लोग जामज में आया तो जब से नौशा मियाँ का आया इसलिए इनका नाम दिया जा रहा है लेट। लोग नौशा मियाँ को जानते थे तो इसलिए उनके स्टिकर बना, उनके वालिद के नाम हम लोग नहीं जानते थे। चलिए, तो ये है हर पतंग पे इस तरह का स्टिकर लगाया जा रहा है। तो ये अपोजिट टीम से भी लगाया जा रहा है या फिर? नहीं, अच्छा आपके, अच्छा हम ही लोगों ने बनवाया, इनके पुत्र है फैसल भाई। अच्छा, तो ये देखिए राहुल भाई की टीम की ओर से हर पतंग पे ये स्टिकर लगा के उड़ाया जा रहा है। तो फैसल भाई भी आ गए जिनके बाप दादा की पतंग लड़ रही है। कितने साल हो गए फैसल भाई, कुछ आइडिया बताइए, बाकी सब लोगों ने तो बता दिया। इस पतंग का किसी को पता ही नहीं कितने साल, मतलब फिर भी एक आइडिया, 5 पीढ़ियां लड़ रही है।
तो कुछ और बता पाएंगे कुछ पतंग के बारे में जो लड़ रही है? ये पतंग पहले जी बहुत नीचे से लड़ती थी। अच्छा अच्छा, जो नीचे हाथ आता होगा पहले। अच्छा, पहले छतें नहीं थी जी, यहाँ से बगिया से लड़ती थी। अच्छा, नीचे हाथों हाथों से। आप धीरे धीरे बिल्डिंगें बन गई, सब सब बनता रहा बनता रहा, छत फ्लैट पे आ गए फ्लैट पे। लेकिन लगातार लड़ रही हर साल 25 दिसंबर को। तो शौक करते हैं फैसल भाई? हाँ शौक भाई करते हैं। अच्छा, तो आज करेंगे? जरूर करेंगे। मेंबर तो बहुत है, 30-35 मेंबर आप ही की ओर हो गए। सभी के लिए है ये, सभी के लिए ओपन है। गाड़ी स्टार्ट कर, हम फर्स्ट ये सालाना पतंग है जी, इसका कोई वो नहीं है कि हम काटे या वो काटे, बस लड़ाते रहो, शौक होगा। काट कट अपनी जगह है, शौक होना और चाहिए, पतंग लगती रहनी चाहिए। सही बात है। देखिए साथ साथ आठ तनी हूँ दोनों, हाँ दोनों टीमों से साथ साथ। तो उधर से भी कौन मतलब इस गेम को लगातार कंटिन्यू कर रहा है, कुछ बता सकते हैं जो हर साल लड़ाने के लिए तैयार है? अलीम भाई हैं। अलीम भाई हैं। अच्छा, वो यहाँ पे किसी क्लब से भी लड़ाते हैं या फिर ऐसे ही? वो हम लोग सब साथ ही में। अच्छा, साथ के हैं इस पतंग को। अच्छा, डिवाइड करके मतलब आप लोग कंटिन्यू लड़ा रहे हैं? विक्की भाई, विक्की विक्की मौलाना जी। अच्छा, विक्की मौलाना जी। हम लोग सब साथ ही लड़ाते हैं जी, मगर इस पतंग में हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में, जिससे सालाना भी चलता रहे पतंग भी कंटिन्यू रहे। ये बहुत बढ़िया बात है। पतंग उधर की है। अच्छा, लाल पतंग। तो नाल दारे तोखा काली और लाल, और सब पतंग देखिए तैयार है। तो बत्तू भाई पहुंच गए हैं पेज पे, बत्तू के भाई हैं बड़े, चलते हैं पेज पे। और पहला पेज होगा इनका भी, नीचे से जगह लेते हुए, ऊपर से अपोजिट टीम के मेंबर मुद्दा रख रहे हैं, जगह लेते जा रहे हैं। थोड़ा सा गर्दन के पास ही लड़ा रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, ऊपर से ज़्यादा जगह लेके नहीं आ रहे अपनी पतंग को उतारते हुए। तो भाई ने पतंग को थोड़ा सा पट पे करा, बीच में पतंग को लेके आए अपोजिट टीम के मेंबर, चमकाते हुए अंदर की तरफ मुद्दा रखते हुए। और तो मैंने रोका पहल करके अंदर की तरफ दिखा के, तेते झटके मारे निकलते हुए मुद्दे से काटा, लेकिन देखिए अपोजिट टीम की पतंग भी चली गई। तो नीचे का पेज रहेगा राहुल भाई की टीम की तरफ। अबू बकर आ गए पेज पे हाथ चलाते हुए, चलते हैं जल्दी से इनके पेज पे। और मेंबर जल्दी जल्दी पेज हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा। ऊपर से अबू बकर मुद्दा रखते हुए अपोजिट टीम के मेंबर नीचे से दूसरा पेज लड़ा रहे हैं, बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए अबू बकर चमकाया, सीधा मुद्दा ताकत से बनाया, उसी को मारते हुए अंदर की तरफ दिखाया, पतंग नहीं कटी, अभी भी सीधा गद्दा मारते जा रहे हैं। और ये देखिए गद्दा मार के उठा लिया, अंदर के मुद्दे पर लगातार खींचते हुए अपोजिट टीम के मेंबर खुद ये पेज कट गए। तो बढ़िया पेज ये काट दिया अबू बकर ने, एक पेज अपना पूरा कर लिया है राहुल भाई की टीम के लिए। नीचे से आलोक भाई अपना पांचवा पे लड़ा रहे हैं, ऊपर से अपोजिट टीम के मेंबर बीच में मुड्ढा उतारते हुए निकलता हुआ मुड्ढा बनाया अपोजिट टीम के मेंबर ने, उसी को मारते आ रहे हैं। आलोक भाई ने बाहर का मुड्ढा दिखाया, रोका, रोक के फिर से बाहर की तरफ जैसे ही खींचा, बढ़िया पेज ये काट दिया। और पांच पेज अपने पूरे कर लिए हैं राहुल भाई की टीम के लिए। और देखिए पांच के लिए आवाज़ दे दी गई है, पांच पेज हो गए हैं ये रहा हुआ भाई, पांच पेज बता दिया है। नौ पेज की लड़ रही है, और राउंड पतंगे नहीं लड़ाई जा रही, लेकिन अगर हल्की फुल्की अंदर है तो लड़ जाएगी। ये रहा है आलोक भाई, पांच पेज अपने पूरे कर लिए हैं राहुल भाई की टीम के लिए। तो तुरंत छठा पेज मिल गया है आलोक भाई को, ऊपर से मुड्डा रखते हुए अपोजिट टीम के मेंबर काफ़ी ज़्यादा बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए थोड़ा पट पे करके आलोक भाई ने खाली कराया। छठा पेज है, बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए आलोक भाई, ऊपर से अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर। आलोक भाई अपनी पतंग को धीरे धीरे बाहर की तरफ, आलोक भाई बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए अंदर का मुड्ढा दिखाया, रुके रुके बाहर की तरफ, फिर से ताकत से खींचा, निकलता हूँ मुड्ढा, जैसे ही बनाया अपोजिट टीम के मेंबर ने कट गया। सेम तरीके से पे लड़ा रहे हैं, और छः पेज अपने पूरे कर लिए आलोक भाई ने राहुल भाई की टीम के लिए। तो नीचे से सातवां पेज अपना लड़ाते हुए आलोक भाई अपोजिट टीम के मेंबर निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, करीब करा, अंदर के मुड्ढे पे पतंग उतार रहे हैं आलोक भाई ने, रोक के बाहर की तरफ ताकत से खींचा, और बढ़िया पेज ये काट दिया। और सात पेज अपने आलोक भाई ने पूरे कर लिए हैं राहुल भाई की टीम के लिए। और क्योंकि नाम बड़ा बड़ा है दोनों अपोजिट टीमों का, इसलिए याद नहीं रहता, इसलिए राहुल भाई की टीम बोल रहे हैं। और ये रहे आलोक भाई, सात बढ़िया पेज काट दिया। और शफात भाई आ गए जो कि हीरो क्लब में लड़ाते हैं, लगता है आठवां पेज लड़ाएंगे। देखिए कैप बढ़ाते हुए व्हाइट शर्ट में आगे की तरफ बढ़ते हुए आठवां पेज रोकने की कोशिश करेंगे हमारे आलोक भाई को। चलते हैं आलोक भाई के आठवें पेज पे।
आठवा पेज आ रहा है, लेकिन एक नौ इमरान भाई और एक आठ ये हमारे पत्तू भाई पहले ही सुबह काट चुके हैं, वरना दो नौ हो जाते अब तक अपोजिट टीम पे। और अपोजिट टीम की ओर से कोई हाई स्कोर हुआ है पत्तू भाई? चार पाँच हुए थे। अच्छा, चार या पाँच का हाई स्कोर रहा अभी, तो देखते हैं आलोक भाई का आठवा पेज। और ये लगातार बाहर की तरफ खींचते हुए आलोक भाई ने अपना आठवा पेज पूरा कर लिया। बस कैमरा ऑन हुआ है और दोनों लोगों ने बस मुंडा रखे खींचना शुरू कर दिया, कोई मौका नहीं दिया किसी को चाल फेर करने का। आठ पेज पूरे कर लिए, अब देखते हैं नवा पेज कौन लड़ाएगा अपोजिट टीम से। और क्या आज एक और नाव काटेंगे आलोक भाई राहुल भाई की टीम के लिए, और दो नाव पूरे होंगे इस सालाना में, जो कि 100 साल से काफ़ी ज़्यादा पुराना सालाना है। अरे कमज़ोर लोग कहाँ लड़ाएंगे। आलोक भाई के लिए सौजन्य से तरफ से। ये माला की तैयारी करी जा रही है। अगर आलोक भाई ने नौ काटा किनारे किनारे चुपचाप, जितने भी रैपर निकल रहे हैं फिरकी के, उसे आलोक भाई के लिए एक बढ़िया माला बनवाई जा रही है, ये रहेगी, लेकिन नौ काटने पे पहनाई जाएगी। इसको छुपा के रख दिया जा रहा है, अभी बाद में आलोक भाई को पहनाई जाएगी। ये हमारे साथ शुभम भाई। शुभम भाई आपके साथी कहाँ गए? यश भाई, यश भाई का वहाँ उधर तबादला करा दिया। तबादला हो गया। अच्छा, वो अपोजिट में है क्या? वो खुश ज्यादा थे, खुश ज्यादा थे। और पतंग बहुत कम लड़ा रहे हैं लग रहा है शुभम भाई। भाई दुकान दुकान पे बैठना रहता है। अच्छा, काम का जरूरी है, बस पर लड़ा रहे हैं। और ये रह गया हमारे तारू भाई भी आ गए। तारू भाई बड़ी देर में आए, देर हो गई। अच्छा, बहुत लोग हैं, 20 मिनट हो गया है। आलोक भाई ने आठ पेज काट दिए हैं, लेकिन नवा पेज कालिया कहा गया, मेरा कालू गजब बेइज्जती है। और आठ पेज काट दिए हैं, लेकिन बहुत देर हो गई है। अभी अपोजिट टीम से पतंग नहीं मिली, जबकि पतंगे बहुत हैं आसमान में और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और लगता है ये देखिए एक पतंग और बढ़ के जा रही है, एक पतंग बढ़ी थी, लेकिन ये देखिए एक और तोहफा बढ़ के जा रही है, ये लड़ेगी लग रहा है। द्वारा भाई के देखिए सीध में खड़े हुए, रोकने के लिए आए नवा पेज, नाम नहीं पता। और इधर से आलोक भाई काफ़ी देर, करीब 20 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं नवा पेज के लिए। और काफ़ी पतंगे आसमान में हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी पतंगे आसमान में। ऐसा ना हो किसी की पतंग से आलोक भाई की पतंग कट जाए, पेज अभी तक नहीं आया। चलते हैं, देखते हैं नवा पेज अब की बार आलोक भाई का। तो नीचे से जगह लेते हुए आलोक भाई अपने नवे पेज के लिए अपोजिट टीम से मेंबर दिखा दिया, कौन लड़ा रहे हैं देखते हैं अब की बार क्या होगा। जगह लेते हुए और नवा पेज है, रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई अब की बार, छत से लड़ रहा है, लेकिन रेंज फिर भी करीब 500 के करीब होगी, थोड़ा सा और ऊपर ही होगी। आलोक भाई जगह लेते हुए कन्ने की तरफ बने हुए हैं अपोजिट टीम के मेंबर। धीरे धीरे आलोक भाई जगह लेते जा रहे हैं अपनी पतंग को बढ़ करते हुए अपोजिट टीम के मेंबर, कन्ने के पास ही पतंग को बनाए हुए हैं। आलोक भाई तेज हाथों से जगह ले रहे हैं, लेकिन अपोजिट टीम के मेंबर एकदम कन्ने के पास अपनी पतंग को डोर निकालते हुए ऊपर से अंदर की तरफ मुड्ढा रख के बिल्कुल नहीं आ रही, ताकत से जगह लेते हुए आलोक भाई जगह लेते आ रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर। बाहर ही बाहर अपनी पतंग को निकालते हुए कन्ने की तरफ ही पतंग को बनाए हुए हैं, ताकत से आलोक भाई ने जगह ली है, बीच में अपनी पतंग को लेके पहुँचे, काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा करा के जगह लेते हुए और बड़ पतंग से गद्दा रखते जा रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर। सीधा मुड्ढा उतारा आलोक भाई ने, ताकत से खड़ा खींचा और बढ़िया पेज ये काट दिया, पतंग उतार ही रहे थे अपोजिट टीम के मेंबर, कट गए। नौ पेज पूरे कर लिए आलोक भाई ने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हेलो भाई को हार बनाया जा रहा है, ये रह गया हेलो, ये रह गया माला पहनाई गई थी, राहुल भाई की तरफ से 2000 रुपए का इनाम है। बढ़िया पेज, बढ़िया नौ काट दिए, इतनी लपझप में इतनी भगदड़ में नौ काट दिए। तो दो नौ हो गए हैं और एक आठ हो गया है, आठ पट्टू भाई ने काटा था और अभी बहुत टाइम बाकी है, तीन बजा है। ये हार दिखा दीजिए भैया, ये देखिए हार बनाया गया था आलोक भाई के लिए, जो आलोक है ये पट्टू भाई को दिया आठ काटने में, नवा काटो तुम्हें पहले से हार दे दिया गया। उतारो भैया, लॉकडाउन लग गया, कहीं आदमी इतना चल रहा है ये देखिए अपोजिट टीम में भी बहुत से मेंबर हैं, काफी लोग हैं, बहुत से लड़ाने वाले हैं, बहुत से देखने वाले हैं। ये देखिए ये रहे हमारे गुड्डे भाई मिनाज के मेंबर, तारिक भाई भी हैं, गुड्डे भाई भी हैं और शफात हैं, गौरव हैं,
कई लोग हैं। तो नीचे से अपोजिट टीम के मेंबर जगह लेते हुए अपने तीसरे बैच के लिए, और ऊपर से मानस भाई मुद्दा रख रहे हैं राहुल भाई की टीम के लिए, शफात लड़ा रहे हैं अपोजिट टीम से। वैसे हीरो क्लब में लड़ाते हैं जिसमें पुद्दन भाई लड़ाते हैं। जगह लेते हुए तेज़ हाथों से शफात अंदर के मुद्दे पर जगह लेते चले आ रहे हैं। बीचों बीच अपनी पतंग को बनाते हुए मानस भाई काफ़ी ऊँचा पे लड़ रहा है, आगे तार वाले भी बहुत ज़्यादा हैं जिससे थोड़ा सा डिस्टर्ब है। पतंग को चमकाते हुए धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए अंदर के मुद्दे पे मानस भाई राहुल भाई की टीम के लिए जगह लेते जा रहे हैं। 350 मीटर की रेंज होगी, धीरे धीरे रेंज को कम करते हुए ऊपर ही ऊपर अंदर की तरफ मुद्दा उतारते हुए मानस भाई काफ़ी ऊंचा करके मुद्दा दे रहे हैं शफात अपोजिट टीम के लिए। धीरे धीरे पतंग को कम करते हुए अंदर का मुद्दा दिखाया शफात ने, रुका करीब करके निकलता हुआ मानस अंदर की तरफ ही शफात ने ताकत से खींचा और ये पेज मानस भाई कट गए। तो 3 या 4 पेज हो गए, अभी हम कंफर्म कर लेते हैं अगले पेज में कि कितने पेज काट चुके हैं शफात भाई अपोजिट टीम के लिए। तो राहुल भाई हमारे आ गए हैं पेज पे, तीसरा पेज रोकेंगे शफात भाई को, चलते हैं पेज पे। और मेंबर बहुत हैं, देख सकते हैं कितने मेंबर हैं, अरेस्ट ले लेके हर आदमी पतंग लड़ा रहा है, बहुत पेज हो रहे हैं। उधर हमारे मानस भाई भी पतंग को बढ़ाते हुए आलोक भाई अपनी दूसरी पतंग तैयार कर रहे हैं। जो पतंग 9 काटती है राहुल भाई की छत के लिए वो पतंग उतार के रख ली जाती है, नीचे टांग ली जाती है। तो चलते हैं राहुल भाई के पेज पे। नीचे से शफात तेज हाथों से जगह लेते हुए बीचों बीच में अपनी पतंग का मुड्डा उतारते हुए राहुल भाई थोड़ा सा अंदर की तरफ जाके जगह बना रहे हैं। और शफात ने ऊंचा करा, निकलता मुड्डा बना, सीधी पतंग उतार रही है। शफात डोरों पे रोके हैं, रोके पट पे झटके मारे और राहुल भाई रुके और ये पेज कट गया और शफात की पतंग भी चली गई। तो पेज बराबर हो गया और लेकिन चांस रहेगी अपोजिट टीम के पास नीचे से लड़ाने की। तो जावेद भाई आ गए हैं ऊपर से रोकने के लिए चौथा पेज अपोजिट टीम के मेंबर को, 3 पेज काट चुके हैं अपोजिट टीम के मेंबर। जगह लेते हुए जावेद भाई अपनी पतंग को बीचों बीच में उतारते हुए थोड़ा सा बढ़ करके लड़ा रहे हैं जावेद भाई, पतंग को चमकाते हुए अपोजिट टीम के मेंबर और ताकत से जगह लेते जा रहे हैं नीचे से अंदर के मुद्दे पर ऊँचे करते जा रहे हैं अपनी पतंग को। जावेद भाई अपनी पतंग को थोड़ा सा और बढ़ करते हुए बीच में मुद्दा बनाए हुए हैं, बढ़िया हवा आ गई है, ऊँचा करते हुए अपनी पतंग को बाहर का मुद्दा बनाया, उसे को खींचते हुए बाहर की तरफ जैसे ही खींचने के लिए टाइट करे अपनी पतंग को जावेद भाई ने, ये खट गए। 4 पेज पूरे कर लिए अपोजिट टीम के मेंबर ने, अब देखते हैं आपकी बात कौन लड़ाएगा। तारू भाई भी हमारे तो तारू भाई हैं, तारू भाई लड़ाएंगे 5वां पेज राहुल भाई की टीम के लिए। तो ऊपर से तारू भाई अपनी पतंग का मुद्दा रखते हुए और नीचे से अपोजिट टीम के मेंबर शफात लड़ा रहे फिर से, और ज़्यादा से ज़्यादा पतंग शफात के हाथ में दी जा रही है। 4 पेज शफात काट चुके हैं, जगह लेते हुए शफात बीच में अपनी पतंग उतारते हुए तारू पेज पे पेज हो रहा, बहुत पेज हो गए हैं, सब पेज नहीं कवर हो पा रहे हैं क्योंकि इतनी तेज़ पेज लड़ रहा है और काफ़ी आसमान में पतंग है। बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए तारू ऊपर ही ऊपर अपनी पतंग को चलाते हुए थोड़ा सी पतंग बढ़ है और नीचे से शफात अपोजिट टीम के लिए पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं अंदर के मुड्ढे पर जगह लेते हुए। बीचों बीच में तारू भाई ने अपनी पतंग को उतारा करीब करके चमकाया बाहर की तरफ खींचा अपोजिट टीम और निकलता हुआ मारा तारू भाई ने भी गद्दा, लेकिन तारू भाई ये पेज कर गए। और ये देखिए फिर से शफात भाई की पतंग चली गई, इससे पहले भी काटे थे और राहुल भाई से पेज लड़ा था पतंग टूट गई थी और फिर से 5 पेज पूरे करे लेकिन पतंग फिर से टूट गई। वो लोग भाई फिर से लड़ा रहे हैं नीचे से जगह लेते हुए, पहला पेज ऊपर से मुड्ढा रखते हुए थोड़ा सा घेरते हुए अपोजिट टीम के मेंबर अंदर के मुड्ढे पर जगह लिया, लोग भाई ने डोर फेंकी बाहर की तरफ ताकत से खींचा निकलता हुआ मारा अपोजिट टीम के मेंबर लेकिन कट गए। तो एक पेज पूरा कर लिया लोग भाई ने राहुल भाई की टीम के लिए। नीचे से आलोक भाई जगह लेते हुए अपने तीसरे पेज के लिए ऊपर से अंदर की तरफ मुड्ढा रखते हुए अंदर के मुड्ढे पे जगह लेते आ रहे हैं आलोक भाई। बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए अपनी बार अपोजिट टीम के मेंबर अंदर के मुड्ढे पे फिर से आलोक भाई ने जगह ली, ऊंचा करते जा रहे हैं धीरे धीरे मुड्ढा निकालते हुए, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया अपोजिट टीम के मेंबर ने, उसी को ताकत से भर रहे हैं। डबल हो रही पतंग रोक के खड़ा खींचा, बढ़िया पेज आलोक भाई ने काट दिया और 3 पेज अपने पूरे कर लिए राहुल भाई की टीम के लिए। आलोक भाई नीचे से अपना 5वां पेज लड़ा रहे हैं और अपोजिट टीम के मेंबर धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए थोड़ा सा गर्दन के पास मुड्ढा बनाया, आलोक भाई ने पट पे थोड़ा सा खाली कराया और ज़्यादा टेढ़ा करा के जगह ले रहे हैं। आलोक भाई बाहर का मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से खींचते हुए गड़ोता हुआ मुड्ढा मारा अपोजिट टीम के मेंबर ने लेकिन कट गए। तो 5 पेज पूरे कर लिए आलोक भाई ने और 5 की आवाज़ दे दी गई है।
राहुल भाई की टीम की तरफ से ये देखिए पांच के लिए कह दिया जा रहा है। तो फिर से एक पांच काट दिए, एक पहले नौ काट चुके हैं आलोक भाई, देखते हैं आप कितने और पेज काट पाएंगे अपनी इस पतंग से। सातवां पेज मोगली भाई आ गए हैं ऊपर से, पत्तू भाई के चचाजाद भाई, पतंग को कम करके भारी पतंग का मुड्ढा रखते हुए आलोक भाई पतंग काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, डोर फेंकी आलोक भाई ने बड़ पतंग से, बहुत ज़्यादा पतंग को कम कर लिए, भारी पतंग बाहर की तरफ दिखाया, अंदर की तरफ उतारा, तेते झटके मारे और बाहर की तरफ आलोक भाई ने खींचा, लेकिन बराबर से पेज चला गया। सातवां पेज था आलोक भाई के लिए ये, और नीचे की चांस रहेगी राहुल भाई की टीम की तरफ। तो नीचे से पत्तू भाई अपने तीसरे पेज के लिए जगह ले रहे हैं, ऊपर से अपोजिट टीम के मेंबर धीरे धीरे मुद्दा रखते हुए पतंग को चमकाते हुए, दो पतंगें देखिए उतरती जा रही हैं पत्तू के ऊपर, एक पतंग को बाहर करने के लिए कहा, एक पतंग फिरी थी अब दूसरी पतंग फिर रही है, एक पतंग फिरी फिर हट गई, दूसरी पतंग का मुद्दा रख दिया गया और जो पहली पतंग फिरी थी वो हट गई। यहाँ हो रहा सब लोग एक साथ लड़ा लीजिए, तुमने करने मान के दी है उस्ताद शमीम भाई, पत्तू के उस्ताद शमीम। नीचे से जगह लेते हुए दोबारा से पत्तू भाई तीसरा पेज, थोड़ा सा गर्दन के बाद अपनी पतंग को उतारते हुए अपोजिट टीम के मेंबर पतंग को चमकाते हुए बाहर का मुड्ढा बनाया, पतंग को रोके हुए पतंग को चमका रहे हैं पत्तू भाई, अंदर के मुड्ढे फिर जगह ले रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ करके अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, फिर से अंदर के मुड्ढे पर जगह लेते हुए बाहर की तरफ पत्तू भाई अपनी पतंग को निकालते हुए धीरे धीरे बाहर की तरफ मुड्ढा निकाल रहे हैं और ऊंचा करते जा रहे हैं, अंदर के मुड्ढे पे धीरे धीरे पतंग उतार रहे हैं, बाहर की तरफ ताकत से खींचा और इतना करीब करके खींचा कि अपोजिट टीम की पतंग चक्कर पे ही कट गई। बढ़िया पेज काट दिया और तीन पेज अपने पूरे कर लिए हैं पत्तू भाई ने राहुल भाई की टीम के लिए। नीचे से पत्तू भाई अपना चौथा पे लड़ाते हुए ऊपर से अपोजिट टीम के मेंबर जल्दी से फांदे, अंदर की तरफ ताकत खड़ा खींचा और निकलते हुए मुड्ढे से अबकी बार ये पेज अपोजिट टीम के मेंबर ने काट दिया। नीचे से जगह लेते हुए अपोजिट टीम के मेंबर अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं और ऊपर से फैसल भाई राहुल भाई की टीम की तरफ जो क्या सालाना लड़ रहा है, निकलता हूँ मुड्ढा बनाया टेढ़ा कराते जा रहा है अपोजिट टीम के मेंबर, निकलता हूँ मुड्ढा बनाया, रोक के अंदर की तरफ दिखाया, डोर फेंके पट पे खींचा ताकत से, लेकिन कोई काट काट नहीं हुई, काफ़ी नीचे पेज आ गया है, तार वाले भी बहुत ज़्यादा है, तार वालों के बीच में पेज लड़ाया जा रहा है। फैसल भाई अपनी पतंग को ऊपर से बनाए, अंदर के मुड्ढे पे फिर से उतरे, पतंग को चमकाते हुए अपोजिट टीम के मेंबर, निकलता हूँ मुड्ढा फिर से ना भारत तब खींचा अपोजिट टीम के मेंबर ने और काट के फैसल भाई को दो पेज अपने पूरे कर लिया। तो ऊपर से समीर लड़ा रहे हैं और ये स्पीड वाले समीर नहीं दूसरे समीर हैं, धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा बीच में उतारते हुए अपोजिट टीम के मेंबर जगह लेते हुए पतंग को ऊंचा कर रहे हैं अंदर के मुड्ढे पे ही, बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए समीर धीरे धीरे पतंग को उतार रहे हैं, पतंग थोड़ी सी अंदर की लग रही है, तेज़ होती जा रही हवा, बाहर की तरफ खींचा, डोर फेंके अंदर की तरफ खींचे, लेकिन बाहर की तरफ सल्ला खींचते हुए समीर ने ये पेज काट दिया और एक पेज अपना पूरा कर लिया राहुल भाई की टीम के लिए। और ये देखिए पतंग निकालो, देखिए तार वाली भी आगे काट दी, दूसरे तार वाले में भी आ रहे हैं, तार वालों से बचाते हुए अपनी पतंग को उठा रहे हैं। तो समीर भाई ने काट के चांस दे दिए माज भाई को, माज भाई नीचे से लड़ा रहे हैं अपना पहला पेज, ऊपर से मुड्ढा रखते हुए अपोजिट टीम के मेंबर नीचे से जगह लेते आ रहे हैं, माज भाई ताकत से जगह लेते हुए नीचे बीच में अपनी पतंग को लेकर आए, नीचे से बड़ पतंग से थोड़ा सा घेरते हुए मुड्ढा उतार रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, फिर से पतंग को ऊँचा करा माज भाई, नीचे से अपनी पतंग को ऊँचा करते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेढ़ा करा रहे हैं, बड़ काटने की कोशिश, बाहर का मुड्ढा बनाया, रोका अंदर का क्रॉस खींचा, रोका रोक के फिर से बाहर का मुड्ढा बनाया, ताकत से खींचा और बढ़िया पेज ये काट दिया, एक पेज अपना पूरा कर लिया राहुल भाई की टीम के लिए। नीचे से माज भाई दूसरे पेज के लिए जगह ले रहे हैं, अपनी पतंग को बाहरी बार खींचते हुए करने की तरफ बढ़ते हुए अपोजिट टीम के मेंबर दोबारा से अंदर का तरफ मुड्ढा बनाया, बीच में अपनी पतंग को ला रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला माज भाई ने भी, अंदर का मुड्ढा दिखाया, करीब करा दोनों लोगों ने, फिर से अपनी पतंग को उठा लिया और धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, फिर से अंदर का मुड्ढा बनाया, अंदर के मुड्ढे पे ताकत से ऊंचा करा माज भाई ने भी अपनी पतंग को, अंदर के मुड्ढे पे ही जगह लेते जा रहे हैं और ऊंचा करते जा रहे हैं, बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए अपोजिट टीम के मेंबर बाहर का मुड्ढा बनाया, डबल करते हुए लड़ाने चाह रहे हैं, रुक गए माज भाई, एकदम करने के बाद से पेज आ रहा है, जगह नहीं ले रहे, देखिए बाहरी बाहर पतंग को निकालते हुए अपोजिट टीम के मेंबर अंदर का मुड्ढा फिर से बनाया, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया माज भाई ने, बाहर का मुड्ढा बनाया ताकत से खींचा, बढ़िया पेज ये काट दिया और दो पेज अपने पूरे कर लिए राहुल भाई की टीम के लिए। नीचे से माज भाई अपना तीसरा पेज लड़ा रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, थोड़ा सा बढ़ करके अपनी पतंग को बीच में उतारते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तार वाले हैं जिसकी वजह से जगह लेने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, टेढ़ा कराया माज भाई ने, जगह ली, बाहर का मुड्ढा बनाया, रोका रोके अंदर के मुड्ढे पर ताकत से खींचा, तेज़ खींचा और हटके मार रहे थे अपोजिट टीम के मेंबर, लेकिन कट गए तार वाले, देखिए आगे एक पतंग के पीछे कितने लुटे रहे हैं, ये देखिए कितने ज़्यादा तार वाली है, और देखिए एक पतंग भी तार वाली फट गई। तो तीन पेज अपने माज भाई ने पूरे कर लिए राहुल भाई की टीम के लिए। नहीं, नीचे से जगह लेते हुए चौथे पेज के लिए माज भाई और फिर से थोड़ा सा घेरते हुए पतंग को उतार रहे हैं, भारी पतंग लग रही है, घेरते हुए उतार रहे हैं, जगह लेते हुए फिर से माज भाई,
घेरते हुए अपनी पतंग का मुड्डा उतारा, फिर से बाप बीच की तरफ आया और ताकत से जगह लेते जा रहे हैं। मास भाई अंदर का मुड्डा बना लिया, नीचे से लड़ा रहे हैं। चौथा पेज है, अपनी पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर। मास भाई ने जगह ले रखी है, काफ़ी ऊंचा पेज लड़ रहा है आपकी बार और एकदम मुड्डा नहीं रख रहे हैं, ऊँचा ही ऊँचा अपनी पतंग को उतारते हुए मास भाई और ज़्यादा ऊँचा करते जा रहे हैं, लेकिन मुड्डा नहीं रख रहे। अपोजिट टीम के मेंबर काफ़ी खड़ी करके आपकी बार पेज हो रहा है, चौथा पेज है मास भाई का। मास भाई जगह बनाए हुए हैं, अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर चलाते हुए सनी लड़ा रहे हैं अपोजिट टीम की ओर से। धीरे धीरे अपनी पतंग को ऊपर कर रहा हूँ, देखिए अब दूसरी पतंग भी आ रही थी। मास भाई ने थोड़ा पट वगैरह खाली कराया, लेकिन फिर भी एकदम आसमान में पतंगें लड़ रही हैं। अंदर के मुड्डे पर पतंग को उतारते हुए चमकाया, चमका के अंदर एकदम झटके मारे थे तेज ऑपट पे, जैसे ही मास भाई ने पतंग को मोड़ा कट गए। तो ये हैं समीर भाई जिन्होंने कार्ड के चांस दी थी मास भाई को, फिर से ऊपर की चांस मिली है। चलते हैं पेज पे और देखते हैं अब की बार कार्ड के किसको चांस देंगे। तो समीर भाई ऊपर से मुड्ढा रखते हुए और अपोजिट टीम के मेंबर नीचे से लड़ा रहे हैं। पहला पेज दोनों का ताकत से जगह लेते हुए अपोजिट टीम के मेंबर निकलता हुआ मुड्ढा समीर भाई ने बनाया, कड़ी पतंग खींची, अंदर के मुड्ढे पर पतंग आ रही है अपोजिट टीम की, निकलता हुआ हमारा समीर ने, लेकिन कट गए अब की बार। एक पेज हो गया है अपोजिट टीम के मेंबर का इस पतंग से, अब की बार देखते हैं कौन लड़ाएगा राहुल भाई की टीम की तरफ से। ये हमारे भाई लड़ा रहे हैं, इनका नाम नहीं मालूम, नाम नहीं मालूम, लेकिन देखिए ताकत से खींचते हुए और ये भाई हमारे कट गए, नाम नहीं बता सकते। वाओ ब्यूटीफुल, ये कट गए और अब उबैद भाई हैं, लगता लड़ाएंगे तीसरा पेज अपोजिट टीम के मेंबर से। तो छोटू भाई भी हैं, पत्तू के भी छोटे भाई हैं, तो ये लड़ाएंगे अब की बार तीसरा पेज अपोजिट टीम के मेंबर से। तो देखते हैं हम लोग छोटू भाई का पेज, ऊपर से छोटू मुड्ढा रखते हुए और नीचे से जगह ले रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर अपने तीसरे पेज के लिए। बीचों बीच में अपनी पतंग को लेके पहुंचे छोटू, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, जगह लेते जा रहे हैं पतंग को काफ़ी बढ़ करके चमकाते हुए अपोजिट टीम के मेंबर और अंदर के मुड्ढे पे उतरते हुए छोटू, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया और अंदर जाके जगह ले रहे हैं छोटू भाई, अपनी पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं अंदर के मुड्ढे पे अपोजिट टीम के मेंबर। धीरे धीरे जगह लेते हुए थोड़ी सी पतंग को कम करते हुए छोटू भाई, लेकिन अपनी पतंग को लगातार ऊंचा करते हुए अपोजिट टीम के मेंबर अंदर के मुड्ढे पे पतंग को कम करके मुड्ढा उतारते हुए अंदर के मुड्ढे पतंग उतारा, पतंग को चमकाया, डोर निकालते जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बढ़ है अब की बार अपोजिट टीम की पतंग और छोटू भाई और ज़्यादा कम करा रहे हैं और ऊपर से अंदर की तरफ चलते चले जा रहे हैं। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, अंदर के मुड्ढे पर ताकत से खींच रहे हैं, छोटू ने भी गद्दा सीधा उतारा, तेज तेज झटके मारे, पतंग को चलाया तेज तेज और ये बढ़िया पेज छोटू ने पतंग को चमकाते हुए काटा है और एक पेज अपना पूरा कर लिया राहुल भाई की टीम के लिए। नीचे से छोटू भाई अपना दूसरा पेज लड़ा रहे हैं, थोड़ा घेरते हुए मुड्ढा उतारा अपोजिट टीम के मेंबर ने, पट करके खाली कराया, खाली करा के बाहर की तरफ ताकत से खींचा, डबल होती पतंग अपोजिट टीम की, लेकिन कट गए। तो बढ़िया पेज काट दिया, दो पेज अपने पूरे कर लिए छोटू भाई ने राहुल भाई की टीम के लिए। नीचे से छोटू भाई अपना तीसरा पे लड़ाते हुए पट पे करके खाली कराया, बिल्कुल सल्ला करने की तरफ बढ़ते हुए अपोजिट टीम के मेंबर जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर करा पतंग को, जगह लेते हुए जगह लेते चले जा रहे हैं। नीचे से छोटू भाई निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, काफ़ी दूर से बाहर की तरफ क्रॉस खींचा, डोर फेंकी, दोनों लोगों ने डोर फेंकी, फिर से डबल होता हुआ पेज बाहर की तरफ, छोटू भाई भी ताकत से खींच रहे हैं, लेकिन अब की बार छोटू भाई ये पेज कर गए। गजब का पेज हुआ यारा दोनों के बीच में, एंड टाइम पे दोनों ने बराबर से डोर फेंकी थी। तो नीचे से जगह लेते हुए दूसरे पेज के लिए अपोजिट टीम के मेंबर और ऊपर से मृदुल आ गए हैं रोकने के लिए, जगह लेते जा रहे हैं काफ़ी ऊंचा करके अंदर के मुड्ढे पे, जगह लेते हुए पट पे करके खाली कराया, मृदुल ने पतंग को चमकाया, चमका के निकलता हुआ मुड्ढा बनाया ताकत से, लेकिन नीचे नीचे जगह लेते जा रहे हैं, काफ़ी तार वाले बहुत ज़्यादा है, गद्दा नहीं मार पा, तार वालों के बीच में ताकत से गद्दा मारा, पतंग को ऊंचा करा और डोर फेंकी है, डोर छूट गई हाथ से, फिर से पकड़ी और ये बाहर की तरफ खींच के मृदुल भाई की पतंग कट गई, लेकिन डोर छूट गई थी, दौड़ के पकड़ी इन्होंने, लेकिन जब तक पेच कट गए। क्या हो गया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ऊपर से तारूफ भाई और नीचे से चौथा पे लड़ाते हुए अपोजिट टीम के मेंबर पतंग को चमकाते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, रेंज काफ़ी कम हो गई, 250 मीटर पे पेज आ गया। बड़ पतंग से तारूफ भाई धीरे धीरे मुड्ढा रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टेढ़ा कराते जा रहे हैं, पतंग को ऊँचा करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ है और डोर लग गई लग रहा है तारूफ भाई की, झोल लग गया, टूट गई है सर, टूट गई, पतंग लग रहा है बहुत लंबो से ही टूट गई है अपोजिट टीम के मेंबर का और पेज मिल जाएगा तारूफ भाई को। तो एक पेज हो गया तारूफ भाई का राहुल भाई की टीम के लिए। नीचे से जगह लेते हुए तारूफ भाई अपने दूसरे पेज के लिए अपोजिट टीम के मेंबर ऊपर से मुड्ढा रखते हुए फिर से थोड़ी रेंज बढ़ गई है 400 मीटर की, पतंग को दोनों लोग चमकाते हुए काफ़ी दूरी पे, नीचे से टेढ़ा करा के जगह लेते जा रहे हैं तारूफ भाई,
राहुल भाई की टीम के लिए ऊपर से अंदर की तरफ मुड्ढा उतारते हुए फिर से बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, थोड़ा सा घेरते हुए ही पतंग को उतार रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर राहुल, और नीचे से तारू भाई जगह लेते चले आ रहे हैं। फिर से मुड्ढा बनाया तारू भाई, काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा करा के अपनी पतंग को ऊँचा करते जा रहे हैं, पतंग को बाहर की तरफ निकालते हुए अपोजिट टीम के मेंबर धीरे धीरे गर्दन के बाद अपनी पतंग का मुड्ढा बनाते हुए तारू भाई ने पतंग को चमकाया, रोके हुए हैं, करीब करा दोनों लोगों ने खींचा, खड़ी पतंग खींची, अंदर की तरफ पतंग तारू भाई की आई लेकिन कट गए, एक पेज हो गया अपोजिट टीम के मेंबर का, और तार वालों से बचाते हुए अपनी पतंग उठा के ला रहे हैं और ले आए। ऊपर से मुड्ढा रखते हुए नईम भाई राहुल भाई की टीम के लिए और अपोजिट टीम के मेंबर दूसरा पे लड़ा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ पतंग को निकाला, ताकत से खड़ी पतंग खींची, अंदर की तरफ आ रही, ताकत से गद्दा मारा नईम भाई ने और बढ़िया पेज ये काट दिया और एक पेज अपना पूरा कर लिया राहुल भाई की टीम के लिए। नीचे से जगह लेते हुए नईम भाई अपने दूसरे पेज के लिए, ऊपर से अपोजिट टीम के मेंबर धीरे धीरे मुड्ढा रखते हुए थोड़ा सा बढ़ करके जगह लेते जा रहे हैं, बाहर की तरफ अपनी पतंग को निकालते हुए और पतंग को कम करके ऊपर से अंदर की तरफ उतरते हुए अपोजिट टीम के मेंबर नईम भाई फिर से जगह ली, बाहर की तरफ मुड्ढा निकाला, पतंग को करीब करके चमकाया दोनों लोगों ने, बाहर की तरफ मुड्ढा नईम भाई ने खींचा, रुका है करीब करके पतंग को चमका रहा अपोजिट टीम के मेंबर, बाहर की तरफ खींचा, फिर से रोके अंदर की तरफ खींचा लेकिन बाहर की तरफ खींच के थोड़ा सा झटके मारे और ये बढ़िया पेज काट दिया और दो पेज अपने पूरे कर लिए नईम भाई ने। तीसरा पेज नईम भाई का सीधा मुद्दा उतारा, ताकत से खींचा और झटके मार दिया और फिर से ये पेज काट के अपने तीन पेज पूरे कर लिए नईम ने राहुल भाई की टीम के लिए। सीधा मुड्ढा लेके फान जा रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, अब देखिए चौथी पतंग भी तुरंत आ गई, दो दो पतंगे हैं वैसे आसमान में, पतंगे तो कई हैं अपोजिट टीम की भी और राहुल भाई की टीम की तरफ से भी, ताबड़तोड़ शौक हो रहा है इस सालाना में। तो नीचे से चौथे पेज के लिए जगह लेते हुए नईम भाई राहुल भाई की टीम के लिए, ऊपर से धीरे धीरे मुड्ढा उतारते हुए अपोजिट टीम के मेंबर, थोड़ा सा गर्दन के पास ही पतंग को बनाया, अब की बार ज़्यादा चढ़ के जगह नहीं ले रहे, अंदर का मुड्ढा बनाया पतंग को उतारते हुए धीरे धीरे, नईम भाई भी अपनी पतंग को एक ही जगह पर रोके हैं, धीरे धीरे मुड्ढा उतार रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, अंदर के मुड्ढे को उठा पतंग को ऊँचा कर रहे हैं नईम भाई, काफ़ी ऊँचाई में पेज लड़ रहा है, बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए बाहर की तरफ नईम भाई अपनी पतंग को लेके जा रहे हैं और ऊँचा करते जा रहे हैं, लेकिन अपोजिट टीम के मेंबर और ज़्यादा ऊँचा करा रहे हैं, ये आसमान में पेज लड़ रहा है, नीचे तार वाले बहुत दूर है अभी, बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं और अंदर के मुड्ढे पर पतंग को उतारते हुए अपोजिट टीम के मेंबर नईम भाई ने बाहर का मुड्ढा बनाया, रोके मैं गद्दा मारा, सीधी पतंग हो रही अंदर की तरफ आ रही, भाग तब खींचा नईम भाई ने, हल्की सी पतंग पट भी गई और नईम भाई ये पेज कट गए, तो एक पेज हो गया है अपोजिट टीम के मेंबर का। अब देखते हैं कौन लड़ाएगा राहुल भाई की टीम की ओर से अगला पेज, और आलोक भाई के हाथ में पतंग है, माज भाई पहुंच गए बहुत जल्दी से लड़ाने के लिए अगला पेज, ऊपर से माज भाई और नीचे से जगह लेते हुए अपोजिट टीम के मेंबर, दूसरा पेज क्रॉस मुंडा बनाया माज भाई ने, निकलता हुआ बनाया, रोके हुए अपोजिट टीम में क्रॉस पे ही खींचा, रोक के अंदर की तरफ माज भाई ने भी ताकत से गद्दा मारा, तारों के बीच में पतंग काफ़ी नीचे पेज आ गया है, कोई काट काट नहीं हुई, धीरे धीरे अपनी पतंग को उठाते हुए तारों के बीच से पतंग को निकाल के ला रहे हैं, कोई काट काट नहीं हुई, तेज तेज झटके मारते हुए दोनों लोग पतंग को उठा रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि पेज आया कि नहीं, लेकिन चुस्कियों पर रखे हुए हैं तो पेज आया नहीं, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो दोबारा से पतंग को बढ़ करके लड़ाते हुए माज भाई राहुल भाई की टीम के लिए नीचे से जगह लेते हुए अपोजिट टीम के मेंबर, दोनों लोग अपनी पतंग को चमकाते हुए काफ़ी दूरी से बड़ा चक्कर मकर करके पेज लड़ा रहे हैं, दोनों ही टीम के प्लेयर बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं, धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए निकलता हुआ मुड्ढा बनाया और 300 मीटर की रेंज होगी, थोड़ी सी रेंज कम करके लड़ा रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, नीचे से पेज लिए हुए और दूसरा पेज है अपोजिट टीम के मेंबर का, माज भाई थोड़ा सा पतंग को बाहर की तरफ निकालते हुए फिर से अंदर का मुड्ढा बनाया, फिर से निकालते हुए बीच में अपनी पतंग को उतार रहे हैं, निकलता मुड्ढा बनाया, गर्दन के पास पहुंचे माज भाई, जगह लेते जा रहे हैं गर्दन के बाद अपनी पतंग को ताकत से खींचते हुए, निकलता मुड्ढा बनाया, करीब करा पतंग को चमकाया, पट पे खींचा, फिर से काफ़ी नीचे पेज आ गया है, खाली करा ले रहे हैं लेकिन खींच नहीं रहे हैं, पहल करके अपोजिट टीम के मेंबर तार वालों की वजह से गद्दा नहीं मार रहे हैं माज भाई, तो दोबारा से थोड़ा सा डोर निकाल के माज भाई जगह लेते हुए अपोजिट टीम के मेंबर भी नीचे से अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं, निकलता मुड्ढा माज भाई ने बनाया, करीब करा सल्लक बाहर की तरफ मुड्ढा बनाया, रोका, रोके फिर से निकलता मुड्ढा बनाया, अंदर की तरफ खींच रहे हैं, रोके अब की बार बाहर की तरफ ताकत से खींचा, रोक के माज भाई ने भी डबल करा लेकिन अब की बार माज भाई ये पेज कट गए, तो दो पेज हो गए हैं अपोजिट टीम के मेंबर के इस पतंग से। तो तीसरा पेज रोकने के लिए आ गए हैं पत्तू भाई राहुल भाई की टीम की ओर से, ताकत से जगह लेते हुए जल्दी से अपनी पतंग को ऊँचा कर रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, नीचे से जगह लेते जा रहे हैं और पत्तू भाई की पतंग काफ़ी ज़्यादा बड़ है, पतंग को चमकाते हुए
निकलता हुआ मुड्डा बनाया पत्तू भाई ने, पतंग को कम करके जगह लेते हुए बाहर का मुड्डा खींचा, निकलता हुआ बनाया पत्तू भाई ने, रोका रोके डबल करते हुए अंदर के मुड्डे पे ताकत से खींचे, बाहर रुके रुके फिर से अंदर के मुड्डे पे खींचने, दोनों लोग बाहर की तरफ खींचते हुए, कोई काट काट नहीं हो रही है, लगातार खींचते जा रहे क्रॉस मुड्डा पत्तू भाई का और अंदर की तरफ सल्ला खींचते हुए ये पेच काट दिया और दो पतंगे काट दिया अपोजिट टीम के मेंबर ने। तो फारूक लड़ा रहे हैं अपोजिट टीम की ओर से और तीन पेच काट चुके हैं बढ़िया, और एक तनी हुई पतंग भी काट दी जो कि मानस भाई की थी। तो चौथा पेच रुकने के लिए आ गए हैं मृदुल भाई राहुल भाई की टीम की ओर से, जगह लेते हुए पतंग को चमकाते हुए, काफ़ी ज़्यादा चमका के सोच समझ के लड़ा रहे हैं, पहल नहीं कर रहे हैं किसी भी पेच पे, जगह लेते जा रहे हैं थोड़ा सा कम पतंग से, अपनी सीधा मुड्डा उतारा मृदुल भाई ने, तारू भाई ने डोर फेंके बाहर की तरफ ताकत से खींचा, मृदुल भाई ने भी ताकत से खींचा, डबल होती हुई पतंग से अब की बार मृदुल भाई ने ये पेच फारूक भाई को काट दिया और एक पेज अपना पूरा कर लिया राहुल भाई की टीम के लिए। नीचे से जगह लेते हुए मृदुल भाई अपने दूसरे पेज के लिए अपोजिट टीम के मेंबर धीरे धीरे मुड्ढा रखते हुए, और नाम गलत निकल गया, फारूक भाई नाम है, तारुफ निकल गया था बीच में, भारी था मृदुल भाई ने मुड्ढा बनाया, ताकत से रोका और रोक के खड़ा खींचा, लेकिन अब की बार कट गए और ताकत से गद्दा मारा तारों के बीच से, ये देखिए पतंग उठा के ला रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर और अपनी पतंग को निकाल रहे हैं। तो एक पेज हो गया अपोजिट टीम के मेंबर का और लड़ाने के लिए अब हैं हमारे ये भाई खड़े हैं, ये लड़ाएंगे ऊपर का पेज, आलोक भाई की पतंग भी है, तो आलोक भाई लड़ाएंगे ऊपर का पेज अब की बार, ऊपर से आलोक भाई और नीचे से अपोजिट टीम के मेंबर, निकलता हुआ मुंडा बनाया लोग मैंने, रोका रोके अंदर की तब ताकत से कदम हमारा भाग तब खींचते हुए और झटके मारते हुए ये पेज आलोक भाई को काट दिया अपोजिट टीम के मेंबर ने। एक पेज पूरा कर लिया अपोजिट टीम के मेंबर ने, तो ऊपर से मुड्डा रखते हुए तारू भाई दूसरे पेज के लिए, और रेंज थोड़ी सी बढ़ गई है 450 मीटर की रेंज होगी, और नीचे से जगह लेते हुए अपोजिट टीम के मेंबर, जो बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए तारू थोड़ा सा रेंज को कम करा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रेंज में लड़ा रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, बढ़ करके लड़ाते हुए तारू भाई ने निकलता हुआ मुड्डा बनाया, करीब करा करीब करके अपनी चमकाया और बाहर की तरफ खींचा, पतंग को चमका रहे थे तारू भाई, ये पेज कट गए, दो पेज पूरे कर लिए अपोजिट टीम के मेंबर ने अपनी इस पतंग से। तो जावेद भाई आ गए हैं ऊपर से लड़ाने के लिए और रोकेंगे अपोजिट टीम के मेंबर को, दूसरे पेज पे चलते हैं जावेद भाई के पेज पे। तो ऊपर से जावेद भाई एक बार काट के चांस दे चुके हैं, दूसरी बार लड़ा रहे हैं, नीचे से अपोजिट टीम के मेंबर, नीचे नीचे तारों के बीच में जगह लेते हुए निकलता मुड्डा बनाया जावेद भाई ने, करीब करा करीब करके निकलता मुड्डा ताकत से बनाया, उसी को ताकत से मारते हुए भारी दब खींचा अपोजिट टीम के मेंबर ने और आखिरी में आके झटके मार दिया, बढ़िया पेज ये काट दिया, एक पेज फिर से काट दिया जावेद भाई ने, शोर आप सुन सकते हैं, बढ़िया की आवाज़ आप सुन सकते हैं, बढ़िया पेज काट दिया जावेद भाई ने, काट के फिर से चांस दे दी है मृदुल भाई को, अंदर के मुड्डे पे ताकत से खींचा, भाग तब खींचते हुए तेज तेज झटके मारे और बढ़िया पेज ये काट दिया और मृदुल भाई ने एक पेज अपना पूरा कर लिया है राहुल भाई की टीम के लिए। बढ़िया हवा आ गई, हवा तेज़ होती चली आ रही है शाम के समय, 5 बज रहा है, देखते हैं और कितने पेज हो पाएंगे। अभी भी देख सकते हैं छत पे काफ़ी लोग हैं, सूरज एकदम डूब चुका है लेकिन लगातार शौक हो रहा है, बहुत से लोग आए थे, कई लोगों ने शौक करा, एक एक दो दो पेज भी लड़ाए चले भी गए, लेकिन बढ़िया इंजॉय हुआ है आज के दिन, 25 दिसंबर है आज क्रिसमस डे, और पतंग का बढ़िया शौक हुआ आज, और ये लड़ाते हुए मृदुल भाई दूसरा पेज अपना, दो निकाल लो भाई पतंग तक से सही पकड़े हैं। तो नीचे से जगह लेते हुए पतंग को चमकाते हुए मृदुल भाई दूसरे पेज के लिए अपोजिट टीम के मेंबर बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए जगह लेते आ रहे हैं, पतंग को चमका रहे हैं, निकलता हुआ मुड्डा बनाया अपोजिट टीम के मेंबर ताकत से मारते हुए बाहर की तरफ खींचा है मृदुल भाई ने भी, बढ़िया पेज फिर से काटा और तारों के बीच में घुस गए हैं अपोजिट टीम के मेंबर और दो पेज अपने पूरे कर लिए मृदुल भाई ने राहुल भाई की टीम के लिए। मृदुल भाई नीचे से तीसरे पेज के लिए जगह लेते हो, पतंग को चमकाया, निकलता हुआ मुड्डा बनाया अपोजिट टीम के मेंबर, रोके हैं रोक के बाहर की तरफ क्रॉस खींचा और तेज तेज झटके मार दिया और बढ़िया पेज मृदुल भाई ने फिर से काट दिया और तीन पेज अपने पूरे कर लिए हैं राहुल भाई की टीम के लिए। तो नीचे से मृदुल भाई अपना पांचवा पेज लड़ा रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, थोड़ा सा पतंग को बढ़ करते हुए जगह ले रहे हैं लेकिन थोड़ा बाहर ही बाहर जगह बनाते हुए पतंग को ताने हुए हैं मृदुल भाई, जगह लेते आ रहे हैं पतंग को बाहर की तरफ करा, पतंग को ताने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके अपोजिट टीम के मेंबर, मृदुल पतंग को चमकाते हुए बाहर की तरफ पतंग को निकाल रहे हैं, फिर से अंदर की तरफ जगह लेते हुए मृदुल भाई बीचों बीच में अपनी पतंग को लेके चमका रहे हैं नीचे से जगह लेते हुए, लेकिन अपोजिट टीम के मेंबर थोड़ा सा बाहरी बाहर कन्ने की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा सा घेरते हुए, काफ़ी बड़ पतंग है, मृदुल भाई ने पतंग को चमकाया बाहर की तरफ दिखा के अंदर की तरफ खड़ा खींचा, लेकिन अब की बात तुरंत काट काट हो गई और पाँचवें पेज पर रोक लिया अपोजिट टीम के मेंबर ने। तो जावेद भाई फिर से ऊपर से लड़ा रहा हूँ, काट के लगातार चांस दे रहा है, अब की बार देखते हैं किसको चांस दे पाएंगे। नीचे से अपोजिट टीम के मेंबर जगह लेते हुए बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए जावेद भाई राहुल भाई की टीम के लिए,
थोड़ा सा बढ़ करके जगह लेते हुए बीचों बीच में पतंग को उतारते हुए निकलता हूँ। जावेद भाई ने उसको ताकत से भलिया मारते आ रहे पट पे खींचा रुके निकलती हुई पतंग जा रही। जावेद भाई के दोनों लोग खींचे लेकिन अब की बार जावेद भाई ये कट गए और देखिए तारों के बीच में घुस गए अपोजिट टीम के मेंबर। देखते हैं निकल के आ पाएंगे कि नहीं और ये तार में फंस गए हैं डोर निकाल रहे हैं और निकल रहा है लग रहा है फंसे हुए हैं अभी भी निकल आए हैं अपोजिट टीम के मेंबर की। तो एक पेज हो गया अपोजिट टीम के मेंबर का तो नीचे से जगह लेते हुए अपोजिट टीम के मेंबर तीसरा पेज निकलता हूँ। मुंडा माज भाई ने बनाया करीब करके रोका रोके अंदर की तरफ दिखाया तेज झटके मारे अपोजिट टीम के मेंबर ने डोर फेंकी है लेकिन कट गए। बढ़िया पेज है माज भाई ने काट दिया डोर फेंकी थी लेकिन कट गए अपोजिट टीम के मेंबर और एक पेज हो गया है माज भाई का। तो नीचे से माज भाई लाते हुए अपने दूसरा पेज ऊपर से अपोजिट टीम के मेंबर चमकाते हुए डोर निकालते जा रहे हैं लगातार डोर निकालते जा रहे हैं झोल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर एकदम माज भाई ने काकत से खींचा पतंग सीधी हुई माज भाई की अंदर की पतंग है हल्की सी लेकिन दो पेज काट के पूरे कर लिए हैं राहुल भाई की टीम के लिए। नीचे से माज भाई जगह लेते हुए अपने तीसरे पेज के लिए पतंग को चमकाते हुए ऊपर से मुड्डा रख रहे हैं थोड़ा सा तबकी बार ऊपर ही ऊपर जगह लेते जा रहे हैं और पतंग की रेंज को कम करते हुए माज भाई धीरे धीरे ऊंचा करते जा रहे हैं। बीच में मुड्डा उतारा माज भाई ने पतंग को करीब करके चमकाया चमकाते जा रहे हैं निकलता मुड्डा करीब करा फिर से पतंग को उठा लिया माज भाई और ज़्यादा जगह ले रहे हैं पतंग की रेंज को कम कर रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर। धीरे धीरे उतरते हुए माज भाई अपनी पतंग को थोड़ा सा बढ़ करके चमकाते हुए बाहर का मुड्डा बनाया रोका करीब कर रहे हैं नहर के मुंडा फिर से बना ताकत से खींचा और अब की बार जैसे ही उठा रहे थे कट गए। तो तीन पेज काट दिए हैं माज भाई ने राहुल भाई की टीम के लिए। तो चौथे पेज के लिए माज भाई जगह ले रहे हैं ऊपर से अपनी पतंग को बीचों बीच में उतारा भारत माज भाई ने खींचा अंदर तब दिखाया डोर फेंक दी माज भाई ने पहल नहीं करी पतंग को चमकाने लग गए हैं काफ़ी बड़ पतंग है अपोजिट टीम की और अंदर की तरफ ऊपर ही ऊपर जगह लेते हुए माज भाई अपनी पतंग को एक ही जगह पर बनाया और ज़्यादा टेढ़ा करा के जगह ले रहे हैं। बीच में अपनी पतंग का बढ़ करके मुड्ढा उतार रहे हैं निकलता हुआ मुड्ढा बनाया माज भाई पतंग को चमकाते हुए चौथा पेज अंदर के मुड्ढे पे माज भाई ने पतंग को ऊंचा करा दोनों लोग पतंग को करीब करके निकाला थोड़ी सी तगड़ी पतंग मकड़ पतंग लग रही है अपोजिट टीम की अंदर के मुड्ढे पे फाइल करके उतारा माज भाई ने बाहर की तरफ दिखाया ताकत से खींचा और फिर से चक्कर काट दिया। चार पेज अपने पूरे कर लिए राहुल भाई की टीम के लिए माज भाई ने। नीचे से जगह लेते हुए पांचवें पेज के लिए माज भाई ऊपर से थोड़ा सा बढ़ करके अपनी पतंग को उतारते हुए और गर्दन की तरफ बढ़ते हुए ताकत से जगह लेते जा रहे हैं बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए पतंग बाहर की लग रही है घूम के अंदर की तरफ आ रही है तो पट पे करके जगह लेते जा रहे हैं माज भाई टेढ़ा कराते जा रहे हैं जगह ले ली बाहर का मुंडा बनाया उसी को ताकत से खींचा बाहर की तरफ खींचा अपोजिट टीम के मेंबर्स ने और झोल चिपक गया तुरंत कट गए। तो एक पेज हो गया अपोजिट टीम के मेंबर का और देखते हैं अब की बार कौन लड़ेगा राहुल भाई की टीम की ओर से और राहुल भाई की टीम की ओर से ये भाई हमारे आ गए। भाई क्या नाम? शुआब भाई। ये भाई सही है देखो जिन्होंने नाम नहीं बताया था वो तुरंत कट गए थे। चलते हैं शुआब भाई के पेज पे और तुरंत पेज आ गया पेज भी मिल गया है ये देखिए पेज फिर गया। शुआब भाई ऊपर से मुड्ढा रखते हुए नीचे से जगह ले रहे हैं अपोजिट टीम के में थोड़ा सा बढ़ करके मुड्ढा रख रहे हैं अंदर की तरफ शुआब भाई ताकत से जगह लेते हुए बीचों बीच में पतंग ले जा रहे हैं अंदर के मुड्ढे पे मुड्ढा बना अंदर के मुड्ढे पे जगह लेते हुए ऊपर से बाहर की तरफ खींचते हुए लगातार नीचे का पेज बाहर की तरफ खींचते जा रहे हैं अंदर के मुड्ढे पे लगातार पतंग को उतारते हुए फिर से बाहर का मुड्ढा निकाला और पतंग अपोजिट टीम की देखिए फट गई और फ्री का पेज ये मिल गया शुएब भाई को। तो एक पेज हो गया है शुएब भाई का अब देखते हैं खुद लड़ाएंगे या किसी और को चांस देंगे राहुल भाई की टीम के लिए। तो नीचे से जगह लेते हुए शुएब भाई अपने दूसरे पेज के लिए अपोजिट टीम के मेंबर ऊपर से पतंग को बनाया गर्दन की तरफ ही जगह नहीं ले रहे बाहरी बाहर अपनी पतंग को निकालते हुए नीचे से शुएब भाई जगह लेते चले जा रहे हैं लगातार बाहर की तरफ निकालते हुए बाहर की तरफ मुड्ढा बनाया शुएब भाई ने रोका डोर फेंके अंदर की तरफ ताकत से झटके मारे बढ़िया पेज ये काट दिया। तो दो पेज पूरे कर लिए हैं शुएब भाई ने राहुल भाई की टीम के लिए। नीचे से शुएब भाई अपने तीसरे पेज के लिए जगह लेते हुए अपोजिट टीम के मेंबर बीचों बीच में मुड्ढा बनाया बाहर की तरफ थोड़ा सा पतंग को निकालते हुए शुएब भाई धीरे धीरे अपनी पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं बाहर की तरफ खींचा डोर फेंके और देखिए फ्री का फिर एक पेज मिल गया शुएब भाई को और तीन पेज अपने पूरे कर लिए। तो शुएब भाई जगह लेते हुए चौथे पेज के लिए राहुल भाई की टीम के लिए पतंग को चमकाया ऊंचा करा बाहर का मुड्ढा बनाया उसको ताकत से खींचा डोर फेंके फिर से बाहर का मुड्ढा खींचा लेकिन अब की बात अलग बाहर की तरफ खींचते हुए ये पेज काट दिया अपोजिट टीम के मेंबर ने। और गुरु भाई आ गए हैं सुबह लड़ाई थी इन्होंने पतंग 9:30 बजे से पतंग लड़ रही है और आप लड़ाएंगे ऊपर से अपना पेज। यह है गुरु भाई जिन्होंने इमरान का सुबह साथ दिया था इमरान भाई ने 9 काटे थे और ये खड़ा है इमरान भाई जिन्होंने 9 काटे थे चरखी पकड़े हुए। तो गुरु भाई लड़ाएंगे ऊपर से तो देख लेते हैं इनका एक पेज ऊपर से अपनी पतंग को चमकाते हुए गुरु भाई निकलता हूँ मुड्ढा बनाया ताकत से मारा भाग दब खींचा अपोजिट टीम के मेंबर ने अंदर की तरफ पतंग घूम के पूरी आई गुरु भाई की और ये पेज गुरु भाई ने काट दिया। और दार वाला देखिए गुरु भाई को भी फंसा ले रहा है
बच गए गुरु भाई नीचे से दूसरा पे लड़ाते हुए, पतंग थोड़ी सी बाहर है, पतंग चमकाया बहुत बड़ा करके, पतंग चमकाया अंदर की तरफ दिखा के तेते झटके मारे, लेकिन सीधा उतर गए आपकी बार अपोजिट टीम के मेंबर, और ये पेज काट दिया गुरु भाई को। और देखिए मैं लड़ाऊंगा, मैं लड़ाऊंगा, लड़ाई हो रही है, देखिए सब लड़ रहे हैं, कौन लड़ाएगा, सब लड़ने जा रहे हैं। तो ये भाई आ गए लड़ाने के लिए पेज पे, चलते हैं पेज पे, और ये इमरान अपने हाथ में पतंग ले ली है जिन्होंने सुबह नाव काटे थे। पत्तू के बड़े भाई हैं, पत्तू सबसे छोटे हैं, पतंग को चमकाते हुए इनसे, अभी आपने एक दो पेज देखे थे, बढ़िया पेज लड़ा रहे थे, मुड्ढा बदलते हुए करीब करके अपनी पतंग को लाया, पतंग को चमकाया, फिर से उठाया, अपोजिट टीम के मेंबर भी पतंग को काफ़ी ज़्यादा चमका रहे हैं, धीरे धीरे पतंग का मुड्ढा बीचों बीच में उतारते हैं, रेंज को कम कराते जा रहे हैं, अपोजिट टीम के मेंबर 150 मीटर की रेंज होगी, अंदर के मुड्ढे पे ऊंचा करा, सीधा मुड्ढा उतारा छोटू ने, और निकलता हुआ ताकत से मारा और बढ़िया पेज ये काट दिया। और ये देखिए फिर से उठा रहे थे तार वाली पतंग से, चली गई छोटू की पतंग, तो तार वाले वजह से काफ़ी डिस्टर्ब होता है, और वीडियो जो तार वाले भी देखते हैं उस चीज़ का ध्यान रखा करें कि पेज के बीच में पतंग को ऊंचा ना करा करें, पतंग कटने के बाद ही पतंग को चिमटाने की कोशिश करा करें, गेम यहाँ छतों से बंद हो जाएगा तो आपको चिमटाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो राहुल भाई दूसरा पेज लड़ा रहे हैं अपना, पतंग को चमकाते हुए अपोजिट टीम के मेंबर नीचे से जगह ले रहे हैं, एक पेज ऊपर से काटा है, पतंग को बाहर निकाल लें, नीचे से लड़ाएंगे, लेकिन अपोजिट टीम के मेंबर जल्दी से नीचे की जगह लेते हुए थोड़ा नीचे की तरफ अपनी पतंग को ला रहे हैं राहुल भाई, और अजाने होने लग गई हैं, तो बस एक दो पेज और होना है, थोड़ा पतंग को कम करके पतंग को चमकाते हुए बहुत ज़्यादा अपोजिट टीम के मेंबर पतंग को तान लिया है, राहुल भाई की पतंग बहुत ज़्यादा बड़ा है, धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए बीच में उतारा राहुल भाई ने, ताकत से खड़ा खींचा और बढ़िया पेज काट दिया, दो पेज काट दिए हैं राहुल भाई ने अपनी टीम के लिए। नीचे से तीसरा पेज लड़ा रहे हैं राहुल भाई, ऊपर से अपोजिट टीम के मेंबर पतंग को फिर से कम करके फेरते हुए और बाहर की तरफ लगातार निकालते जा रहे हैं, अंदर के मुड्ढे पर राहुल भाई ने पतंग को ऊंचा करा, उसी को ताकत से खींचने लग गए, अंदर की तरफ दौर फेंकी थी लेकिन कट गया अपोजिट टीम के मेंबर, तीन पेज काट दिए हैं राहुल भाई ने, और कोई पतंग अब नहीं है अपोजिट टीम की, अजान भी होने लग गई है, तीन पेज काटे हैं राहुल भाई ने, और ये खड़े हैं राहुल भाई, जैकेट पहन के लड़ा रहे हैं, खींच भी रहे हैं, और ये पतंग अब देखिए एक बढ़ के जा रही है चौथे पेज के लिए, तो जल्दबाजी में नीचे से जगह ले रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, ऊपर से राहुल भाई ने मुड्ढा बनाया, निकलता हुआ ताकत से मारते जा रहे हैं, पट पे गई दोनों पतंगे और झटका मारा पूरी राउंड पतंग से, ये राहुल भाई को पेज काट दिया। सिंटू भाई लड़ा रहे हैं हमारे, राउंड पतंग लड़ा रहे हैं अपोजिट टीम के मेंबर, पतंग को चमकाते हुए ऊंचा करा, सिंटू भाई ने भी अंदर तक खींचा, चक्करों पर रखा और पतंग की डोर निकाली थोड़ी सी अपोजिट टीम के मेंबर ने, और सिंटू भाई ये पेज कट गए, और गेम एंड हो गया है यहाँ पे, और राहुल भाई की टीम की तरफ से दो नाव हुए हैं, एक आठ हुआ है, एक नाव आलोक ने काटा और एक नाव काटा है इमरान भाई ने, ये है इमरान भाई, चरखी लिए इमरान भाई, ये है इमरान भाई जिन्होंने सुबह सुबह ही काट दिए थे नाव, तो गेम यहाँ का एंड हो गया है, और तो राहुल भाई ये दो दिन लड़ेगा तीन दिन लड़ेगा, दो दिन लड़ेगा, कल और लड़ेगा ये, अभी कल की पक्की नहीं, अच्छा पक्की नहीं है, अच्छा मतलब ये है कि डिसाइड हो गया फिर एक दिन और लड़ना है ये, चलिए तो ये था आज का गेम सालाना, जो कि 100 साल से काफ़ी ज़्यादा पुराना सालाना है, और राहुल भाई की छत से अभी कंटिन्यू लड़ रहा है 3 से 4 साल से। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।